नमस्ते सलाम कैसे हैं पीपल व्हाट्स अप आई एम वेरी गुड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। सो हर बार की तरह कुछ नया और अलग ट्राई करने के लिए मैं आज एक ऐसी जगह आया हूँ जो मेरे घर से सिर्फ 5 मिनट ही दूर है और ये वैसे मुंबई का बिगेस्ट फूड ट्रक है एंड हियर इट इज। इट्स कॉल्ड ट्रकीला एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड कि ये मेरे घर के इतना नज़दीक है तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। प्लस द वाइब इज सुपर 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 अमेजिंग। तो मेरे को आपको है ना बात करके ज़्यादा पकाना नहीं, अंदर चलते हैं और अंदर वाइब के साथ बहुत कुछ अच्छा और नया ट्राई करते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो मैं पहुंच गया हूँ ट्रकीला के अंदर एंड इट इज़ सुपर क्राउडेड एट दिस मोमेंट एंड बहुत ही अच्छी वाइब है यहाँ की। मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रेजी लग रहा है विद द लाइट्स एंड एवरीथिंग। प्लस यहाँ पे सेल्फ सर्विस है वैसे, बाय द वे, सो इफ यू कमिंग ओवर हियर द रेट्स आर सुपर 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 चीप एंड सुपर फ्रेंडली एंड वहाँ पे जा सकते हो और वहाँ पे जाके तुम अपना खुद सेल्फ सर्विस जो कलेक्ट कर लो और खा लो। तो अभी हम बहुत कुछ मंगाने वाले हैं तो चलो मंगाते बहुत कुछ और बहुत कुछ अलग अलग ट्राई करते हैं। तो हमने खाना मंगा लिया यहाँ पे एंड वी हैव ऑर्डर टू थिंग्स एट फर्स्ट। दिस इज़ अ बरीटो एंड दिस इज़ आरडीएक्स पॉकेट। तो ये वाला वेज है, ये वाला नॉन वेज है एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड क्योंकि बहुत ज़्यादा डिलीशियस दिख रहा है तो टेस्ट भी उतना ही ज़्यादा डिलीशियस होगा तो और मज़ा आ जाएगा। तो ट्राई करते हैं सबसे पहले। ओह माय गॉड, दिस इज़ सो सॉफ्ट क्रंची एंड सॉसी। मतलब बहुत अच्छे वाले फ्लेवर है सॉस के इसमें। आई लाइक दिस वन, थैंक्स केशव। उसपे मारो, उसपे मारो। दिस इज सुपर यमी। आरडीएक्स पॉकेट इज अ मस्ट है। वेज वाला भी बहुत टेस्टी है, पनीर फिल्ड है इसमें एंड आई लव द सॉसेस। एक टमाटो केचप तो है ही ऊपर से बट एवरीथिंग एल्स इज ऑल्सो मस्ट एंड द सेकेंड वन इज़ द बरीटो पॉकेट। ये भी सुपर सॉसी है, बहुत ज़्यादा सॉसेज है ऊपर भी एंड सुपर फिल्ड। आई एम गोइंग टू ट्राई इट नाउ। नॉन वेज वाला है ये। आई लव दिस, दिस इज सुपर फिल्ड, फिल्ड विद नूडल्स, चिकन एंड लॉट्स ऑफ सॉसेज एंड दिस लुक्स डैम टेस्टी। और है भी टेस्टी, ऐसा नहीं कि सिर्फ देखे मैं टेस्टी। तो अब हमने तीन और चीज़ें ऑर्डर की है। दिस इज़ इंग्लिश विंग्लिश फ्राइज, दिस एंड दिस। मैं कन्फ्यूजन है क्योंकि बहुत सिमिलर दिखते हैं। तो वन इज़ कॉर्न चीज़ नगेट्स एंड द अदर वन इज़ चिली चीज़ नगेट्स। मैं खोल के भी दिखाऊंगा कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले फ्राइज ट्राई करते हैं। फ्राइज में पनीर है, आई डोंट सी दिस। पनीर के साथ वाले ले लो। इधर जूम इन कर रहे हो, देखो। कैरमलाइज्ड अनियंस, पनीर बहुत ज़्यादा, पिकल्स एंड फ्राइज, मस्त, भरपूर। दिस इज टू मच फन। और ये सब खाते वक्त ना, बिकॉज यू आर एट अ एरिया विच इज लाइक अ फूड ट्रक, अपने हाथ गंदे करो और खाओ, उसके बिना स्वाद नहीं आने वाला बिल्कुल भी। तो अगर तुम आ रहे हो ऐसे फ्राइज लो ऐसे, कोई मज़ा आएगा खाने का, मज़ा भी आएगा। तो अब मेरे को कन्फ्यूजन है कि दोनों में से किससे स्टार्ट करूँ। ये वाला कौन चीज़ है, ये वाला चिली चीज़ है। पहले चिली चीज़ से ट्राई करता है, लाइक स्पाइसी राइस। देयर यू गो, आई एम ओपनिंग इट फॉर यू गाइस। ओह, इट्स नॉट अ स्पाइसी। ओके गाइस, मेजर कन्फ्यूजन, ये वाला चिली चीज़ नहीं है, ये वाला कौन चीज़ है। इसके लिए इसमें कॉर्न था और चीज़ था, चिली नहीं था और इसके लिए मेरे को ये नॉन स्पाइसी लगा। ये वाला है कॉर्न, सॉरी
चीज चिली और इसके अंदर प्रॉपरली सब चिली फिल्ड है और चीज़ है, ये परफेक्ट स्पाइसी वाला है, प्रॉपर हैलोपिनोस के साथ है। वैसे मैं वही सोचा था कि इतना फीका फीका क्यों लग रहा है, बट ये प्रॉपर स्पाइसी है, मगर स्पाइसी स्पाइसी वाला नहीं है, मस्त एकदम अच्छा लगता है ना वैसा वाला स्पाइसी। तो ये मैं खाता हूँ, एंजॉय करता हूँ। अब आप और कुछ देख लो तब तक। We have a very new dish with us. This is bun maska and it's Philadelphia bun maska. और यहाँ पे मैंने नोटिस किया है सब कुछ ना एकदम भरपूर सॉसेस के साथ है, फ्राइज लिया वो भी सॉसेस के साथ, नगेट्स चलो नगेट्स फिर भी ठीक थे, बट बाकी जो भी मैं ले रहा हूँ सब सॉसेस फिल्ड है, ये भी कुछ वैसा ही है भरपूर सॉसेस के साथ है, फिर वाले ट्राई करते हैं। एंड बाय द वे दिस इज अ नॉन वेजिटेरियन बन, हियर वी गो, फिल्ड विद अ लॉट ऑफ पिकल्स, चिकन, चीज एंड लेटस। चलो दिस इज सो डैम गुड, आई लव द सॉसेस, मतलब ये लोग को ना खाने के साथ सॉसेस का एक अलग काउंटर लगाना चाहिए, वो भी बेचना चाहिए, बहुत टेस्टी है बन मस्का, इज टेस्टिंग सो डैम गुड। आई थिंक मेरे को उसको फोल्ड करके खाना चाहिए था, बट फिर चलता है राइट, एक एक करके खाएंगे तो स्लोली स्लोली सब खाने का बहुत अच्छा वाला मजा आएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज दे हैव अ लॉट ऑफ वेरिएशंस इन द बन मस्का कैटेगरी, तो सब ट्राई करना। उसमें एक सुपर स्पाइसी वाला भी था, मेरे को बहुत इच्छा थी ट्राई करूँ, बट फिर आई वाज लाइक जान दो बहुत कुछ खाना है, तब तक इसी से काम चला। कुछ फाइनल हमने मांगा है, ओके बहुत ज़्यादा खा लिया हमने, और ये हमने टिक्कास मांगा है कुछ एंड करने के लिए। ये वाला है पनीर का, इसके वैरायटी का नाम है काके दी हड्डी। दिस इज नॉन स्पाइसी बट नाइस टेस्टिंग मैरिनेटेड पनीर, बहुत अच्छा लगा स्पेशली ग्रीन चटनी के साथ, आई लाइक इट। तो हमारी लास्ट डिश यहाँ की, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फुल हो गए, और देखने में सब छोटा छोटा क्वांटिटी लग रहा है बट वो बहुत ही हैवी हो जाता है। सो हमारी लास्ट डिश इज चिकन का टिक्का एंड इट इज कॉल्ड कटप्पा। वो बहुत ट्राई मैंने चिकन टिक्का कटप्पा, सो आई विल ट्राई नाउ, एंड आई लाइक द फैक्ट कि उन्होंने ऑलरेडी इसको रोस्ट करके लाया, एंड आई लव द रोस्टेड, बहुत अच्छे से जो रोस्टेड वाला चिकन लाया है उन्होंने, वो ही हो। ओ भाई भाई भाई, ऐसा होता है ना, यू ऑलवेज सेव योर बेस्ट स्टफ फॉर द एंड, ये कुछ वैसे ही हो गया। सुपर जूसी चिकन, आई लव दिस, अगर तुम यहाँ पे आ रहे हो यू फॉर श्योर हैव टू ट्राई दिस इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, इफ नॉट वेजिटेरियन में एक कटप्पा मिलता है, ऐसा नहीं है, ये लोग ने जो भी चीज़ें रखी है ना वो तुम वेज और नॉन वेज चूज कर सकते हो, विच इज़ अगर प्लस पॉइंट हुए हो। सो तुम अगर आ रहे हो कटप्पा में, वेज वाला ले लो या नॉन वेज वाला ले लो, दिस इज सो डैम गुड, आई लव इट, स्पेशल दिस इज गोइंग टू गेट अ 5 out of 5 फ्रॉम मी। सो दिस वॉज माई टाइम एट ट्रकीला एंड हैड क्वाइट अ लॉट ऑफ फन एंड क्वाइट डिलीशियस फूड, और स्पेशली जो लास्ट वाला डिश है, तो अगर तुम यहाँ पे आ रहे हो तो वो फॉर श्योर ट्राई करना, वो यहाँ का स्पेशलिटी है, आई जस्ट लव इट, मैंने यहाँ पे भी इनको बता दिया है कि वो डिश तुम्हारा स्टार परफॉर्मर है, तो प्लीज़ अगर तुम यहाँ पे आ रहे हो वो ज़रूर ट्राई करना। एंड बाकी बातें घर चल के करते हैं। आई हैड सो मच फन बाय गॉड, मतलब इतना ज़्यादा मज़ा आ गया ना, खाना तो एक नंबर था ही, बट वहाँ की वाइब इतनी ज़्यादा तगड़ी है ना, सब यंगस्टर्स क्राउड है वहाँ पे, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ यंगस्टर्स ही आते हैं, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, बट जो क्राउड वहाँ पे आता है ना बहुत तगड़ा है, प्लस जो वाइब है ना वहाँ पे, नीचे बैठ के आराम से खाओ, जो करना है करो, चिल मारो, एक दो म्यूजिशियंस भी अगर वहाँ पे बैठ गए ना भाई भाई भाई, भाई महफिल ही बन जाएगी। और बेस्ट पार्ट क्या है पता है, अगर तुम कभी वेस्ट एक्सप्रेस हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हो और तुम्हें ऐसा थकावट हो गई या तुम पक गए और कुछ खाने का मूड कर रहा है ना, थोड़ा ठाकुर विलेज में टर्न मार लो, एकदम नज़दीक है, एकदम हाईवे के लाइक 500 मीटर भी नहीं बोलूंगा मैं, इतना ज़्यादा नज़दीक है,
कुछ खा लो, पार्सल करा लो और फिर वापस अपना रूट पकड़ लो, तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। एंड थैंक यू चिराग, एंड थैंक यू केशव फॉर होस्टिंग अस, बिकॉज आई रियली एंजॉयड माई टाइम ओवर हियर और बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे। एंड दे हैव गिवन अ स्पेशल 10% डिस्काउंट टू ऑल माई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, तो अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन आना, ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और ये जो कूपन कोड है ये उन्हें दिखा दो, तो यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट ऑन योर कंप्लीट बिल। और मेक श्योर कि तुम सब एक पहले सोच लो कि तुम्हें क्या ऑर्डर करना है और फिर ऑर्डर करना, ऐसा नहीं है कि बार बार जाके उन्हें परेशान कर दो कि अभी यार वापस 10% वापस, ऐसा मत करना। सब अच्छे से सोच लो, प्लान कर लो कि तुम्हें क्या खाना है और लेना, और जो जो मैंने ट्राई किया ना वैसे वो वहाँ के स्पेशलिटीज़ ही है, और केशव को पकड़ना और उसको पूछना है क्या स्पेशल है, वो ज़रूर तुम्हें हेल्प करेगा। एंड इनकी ना एक और जगह है बॉम्बे मिसल कंपनी, तो अगर तुम्हें मिसल विसल खाने का मन कर रहा है ना वहाँ पे, ये ठाकुर रेड्डी में ये बस 2 मिनट दूर है, वो भी ट्राई कर लेना। उसको मैं कभी अपने एक अलग ब्लॉग में कवर कर लूँगा, बट दिस वॉज सो मच फन। और यहाँ पे ना जाने का सबसे बेस्ट टाइम इज अप्रॉक्स अराउंड 8 PM, क्योंकि दोपहर को जाओगे तो तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, बट रात को जो महफिल जमती है भाई साहब, नीचे बैठ जाओ। अभी मैं तो मतलब मेरे को ऐसा था कि नहीं यार जींस गंदी नहीं होनी चाहिए, बट अगर तुम चिल्ड आउट हो ना बिंदास जाओ अपने दोस्तों के साथ और नीचे बैठ जाओ, बहुत ज़्यादा मज़े करोगे तुम लोग। और खाना भी इतना पॉकेट फ्रेंडली है ना, कोई भी कॉलेज गोइंग बंदा ईजिली अफोर्ड कर लेगा। और ठाकुर विलेज तो प्रॉपर फूडी एरिया ही है, मतलब यहाँ पर इतने ज़्यादा फूड स्टॉल्स है अभी और बहुत कुछ है, तो ये कुछ उसमें एडिशन हो गया। आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, प्लस दिस इज लाइक अ मुंबई बिगेस्ट फूड ट्रक, तो वो तो अलग ही वाइब है। तो आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड दिस वीडियो बिकॉज आई क्लियरली डिड। एंड अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो नीचे जाओ और सब्सक्राइब बटन दबा लो, क्योंकि ऐसी तगड़ी डील्स और भी आते रहेंगे। और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हें ये वाला वीडियो कैसे लगा और तुम यहाँ पे जाने का कब प्लान कर रहे हो, ज़रूर बता दो, क्योंकि बहुत ही मज़ा आएगा। और भी तो मैं मिलता हूँ तुम सबसे अगले वीडियो में, तब तक घूमो नाचो खाओ मस्ती में रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में।